स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, सरकारों के चलने और गिरने के पीछे हिस्टोरिकली एक रीजन कॉमन रहा है, और वो है गवर्नमेंट की सोशल सेक्टर में एक्सपेंडिचर करने की एबिलिटी। जब कोई भी संकट में आता है तो देश के नागरिक सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार उन्हें फाइनेंशियली या अन्य रूप से सपोर्ट देने के काबिल है। हाल ही में श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस में जब सरकार के पास एसेंशियल आइटम्स इंपोर्ट करने के लिए और लोगों को सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं बचे तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ गया। वहीं आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के पीछे का सबसे बड़ा कारण सोशल वेलफेयर स्कीम्स बताई जा रही हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में सरकारों की स्पेंडिंग एबिलिटी डिसाइड करने वाला एक बड़ा फैक्टर होता है डेट, यानी गवर्नमेंट बोरोइंग। बजट 2022-23 में भारत सरकार ने 39 लाख करोड़ रुपीज से ज्यादा का एक्सपेंडिचर प्लान किया है, जिसमें से सरकार का अपना रेवेन्यू सिर्फ करीब 23 लाख करोड़ ही है। बाकी के 16 लाख करोड़ रुपीज हमारी सरकार वेरियस सोर्सेस से बोरो करेगी। इस ह्यूज गवर्नमेंट बोरोइंग की मैनेजमेंट सरकार अकेले नहीं कर सकती। इस टास्क को पूरा करने के लिए पिक्चर में आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सिर्फ बोरोइंग ही नहीं, सरकार के रेवेन्यू में भी एक बहुत बड़ा योगदान आरबीआई का है। कोविड पैंडेमिक के बीच मई 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 1 लाख करोड़ के डिविडेंड ट्रांसफर का ऐलान किया था। ये फिगर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में डिविडेंड यानी आरबीआई द्वारा अर्न प्रॉफिट के ट्रांसफर के इशू के चलते आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच एक अनप्रेसिडेंटेड टसल सामने आई थी, जिसके कारण उस समय के आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को अपना त्याग पत्र देना पड़ा था। रिसेंटली आरबीआई गवर्नमेंट के लिए एक कैश काउ भी बन गया है, जो एक रेगुलेटरी बॉडी के लिए बहुत अनयूजुअल है। प्रॉफिट मोटिव से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बनाई जाती हैं, जो सरकार की इनकम का इंपॉर्टेंट सोर्स होती हैं। लेकिन आरबीआई और सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडीज का काम इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में रेगुलेशन और सुपरविजन का होता है। तो इन सब रेगुलेटरी बॉडीज में आरबीआई एक अपवाद क्यों है, जो सरकार के रेवेन्यू के लिए एक बड़ा सोर्स बन चुका है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं, और इन फंक्शंस के थ्रू जानेंगे कि आरबीआई इनकम कैसे जनरेट करता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी सीएसयू प्रीलिम्स में इकोनॉमिक सेक्शन में और GS3 के इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में काफी चर्चा में रहा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी चर्चा करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपना डिस्कशन हम शुरू करते हैं। सेंट्रल बैंक, जिसे रिजर्व बैंक या मॉनेटरी अथॉरिटी भी कहा जाता है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो किसी देश या मॉनेटरी यूनियन की करेंसी व्यवस्था और मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज करता है, और साथ ही कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को सुपरवाइज और रेगुलेट करता है। सेंट्रल बैंक्स की जरूरत पहली बार 18th और 19th सेंचुरी में महसूस की गई। इस समय पर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से बहुत से फाइनेंशियल पैनिक्स फेस किए गए। इस वजह से सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन के ऑब्जेक्टिव से सेंट्रल बैंक्स को सेटअप किया गया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस और ज्यादा प्रोमिनेंट 1930s के द ग्रेट डिप्रेशन के बाद हुई, जब वर्ल्ड इकोनॉमी ने भारी मात्रा में बैंक फेलियर्स और डीप रिसेशन विटनेस किया। दोस्तों, आरबीआई के अर्निंग्स के सोर्सेज को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि रिजर्व बैंक के फंक्शंस क्या हैं, क्योंकि इन फंक्शन से ही आरबीआई के इनकम के सोर्सेज ड्राइव होते हैं। इनिशियली आरबीआई को मेनली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बनाया गया था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 10 आरबीआई को एम्पावर करता है किसी भी पर्सन या अथॉरिटी को फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज में डील करने के लिए ऑथराइजेशन देने को। मनी चेंजर्स के लिए भी आरबीआई ऑथराइजेशन लेना कंपलसरी है। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मॉनेटरी पॉलिसी का रेगुलेशन है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके कुछ क्रिटिकल इकोनॉमिक वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस करना, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई और क्रेडिट अवेलेबिलिटी। बेसिकली बाजार में कितना पैसा घूम रहा है, इसके कंट्रोल को मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्सेट्रा। आरबीआई एक्ट में मई 2016 में किए गए अमेंडमेंट के बाद भारत में मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन टारगेटिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ। दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस या OMO, जो आरबीआई के रेवेन्यू का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसे आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा आरबीआई का इंपॉर्टेंट फंक्शन है पब्लिक डेट मैनेजमेंट। इसके तहत आरबीआई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदने और बेचने के प्रोसेस को मैनेज करता है।
इसके अलावा आरबीआई एक रिफॉर्मेटरी अथॉरिटी और क्राइसिस मैनेजर की तरह भी एक्ट करता है। 1991 के बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस के दौरान देश के मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम के सेंटर पे होने के नाते आरबीआई ने गवर्नमेंट को क्राइसिस मैनेज करने में की सपोर्टिंग रोल निभाया था। साथ ही जरूरी मार्केट और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाने में आरबीआई सेंटर स्टेज पर रहा। दोस्तों, आरबीआई के रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी फंक्शंस भी हैं, जिनके तहत आरबीआई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, डेरिवेटिव्स और मनी मार्केट्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स के एरिया के प्लेयर्स को रेगुलेट और सुपरवाइज करता है। लेकिन ये फंक्शंस आरबीआई के प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, इसीलिए इस वीडियो में इनकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। तो सर, आरबीआई के मेजर फंक्शन समझने के बाद अब ये समझना आपके लिए आसान हो जाएगा कि आरबीआई के इनकम के सोर्सेस क्या हैं। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, इनकम का पहला सोर्स है आरबीआई के सब्सिडरीज, जिनमें डीआईसीजीसी और बीआरबी एनएमपीएल शामिल है। डीआईसीजीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का काम है हर बैंक अकाउंट को इंश्योरेंस कवर देना। रिसेंट अमेंडमेंट्स के बाद ये इंश्योरेंस कवर बढ़ा दिया गया है। अब हर एलिजिबल बैंक डिपॉजिटर का अकाउंट किसी भी बैंक फेलियर के अगेंस्ट मैक्सिमम 5 लाख रुपीज तक के अमाउंट के लिए इंश्योर्ड है। इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट्स दोनों ही इंक्लूडेड हैं। इसका मतलब है कि अगर कल को आपका बैंक दिवालिया हो जाए तो आपके सेविंग्स अकाउंट में जितना भी पैसा हो आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपीज डीआईसीजीसी के इंश्योरेंस कवर से वापस मिलेंगे। इन इंश्योरेंस बिजनेस में डीआईसीजीसी हर बैंक से इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करता है, जो उसके रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा सब्सिडरी है बीआरबी एनएमपीएल, यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। जैसा नाम से ही साफ है, इस इंस्टीट्यूशन का काम है भारत में बैंक नोट्स के प्रोडक्शन को ऑगमेंट करना और बैंक नोट्स की सप्लाई और डिमांड के बीच के गैप को ब्रिज करना। ये कंपनी 2 बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेसेस मैनेज करती है, एक कर्नाटका के मैसूर में और दूसरी वेस्ट बंगाल के सलबोनी में। बैंक नोट्स की फेस वैल्यू उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट से काफी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, 2000 रुपीज का नोट प्रिंट करने की कॉस्ट सिर्फ 3 रुपीज 54 पैसा होती है। दोस्तों, इन सब्सिडरी कंपनीज के प्रॉफिट के अलावा आरबीआई के इनकम का दूसरा सोर्स है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी ओएमओस। ये ओएमओ हमने थोड़ी देर पहले मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट टूल्स में डिस्कस किए। ओएमओ एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज या सेल करता है। इस प्रोसेस के थ्रू इकोनॉमी में मनी सप्लाई रेगुलेट होती है। बॉन्ड्स बेचने से पैसा सिस्टम में आरबीआई की तरफ से आता है, जिसे एब्जॉर्ब किया जाता है, और बॉन्ड्स खरीदने से पैसा आरबीआई की तरफ से सिस्टम में इंजेक्ट किया जाता है। इस मनी सप्लाई के कंट्रोल के थ्रू ही आरबीआई द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। ओएमओज आरबीआई के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। इन बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट भी रिसीव होता है और साथ ही इन बॉन्ड्स के प्राइस में फेवरेबल चेंजेस होने पर भी आरबीआई को प्रॉफिट होता है। दोस्तों, आरबीआई की इनकम का तीसरा सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में की जाने वाली डीलिंग्स। आरबीआई अपने कुछ रिसोर्सेज फॉरेन करेंसी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट के रूप में रखता है, जैसे किसी और देश के सेंट्रल बैंक के बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स, ऐसे सेंट्रल बैंक्स के साथ डिपॉजिट्स और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। फॉर एग्जांपल, आरबीआई डॉलर्स को सस्ता खरीद के फ्यूचर में महंगे रेट्स पे बेच सकता है, जो प्रॉफिट का सोर्स बन सकता है। फॉरेन करेंसी एसेट्स के अलावा आरबीआई के होल्डिंग्स में लोकल रुपी डोमिनेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स सिक्योरिटीज भी शामिल हैं, जिन पर सिमिलर तरह से प्रॉफिट्स अर्न किए जा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि अनलाइक कमर्शियल बैंक्स, आरबीआई का प्राइमरी मैंडेट प्रॉफिट्स अर्न करना नहीं है, बल्कि रुपी की वैल्यू को इंडियन इकोनॉमी के लिए फेवरेबल रखना है। प्रॉफिट और लॉस इस प्रोसेस के साइड इफेक्ट्स हैं। आरबीआई के इनकम के लिए पब्लिक डेट मैनेजमेंट एक और इंपॉर्टेंट एरिया है। स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की बोरिंग्स मैनेज करने को पब्लिक डेट मैनेजमेंट कहा जाता है। ये काम करने के लिए आरबीआई मैनेजमेंट कमीशन क्लेम करता है, जो अर्निंग्स का एक और सोर्स है। साथ ही आरबीआई लेंडर को लास्ट रिजॉर्ट ना होने के नाते कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टेन्योर्स, जैसे ओवरनाइट पीरियड के लिए फंड्स लेंड करता है, जो इनकम का एक और सोर्स है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करने के लिए आरबीआई गोल्ड एसेट्स भी होल्ड करता है। गोल्ड के प्राइसेस में इंक्रीज आरबीआई के लिए नोशनल गेन्स का एक सोर्स है। नोशनल गेन्स का मतलब है ऐसे गेन्स जो रिलीज ना हुए हों लेकिन रिलाइजेबल हों। इस बात को ऐसे समझिए कि अगर आपके पास घर है और उसके दाम में बढ़ोतरी होती है, तो जब तक आप घर बेचते नहीं हैं, ये गेन आपके लिए नोशनल गेन है।
घर बेचने पर आप इस प्रॉफिट को रियलाइज कर सकते हैं। दोस्तों आरबीआई के इनकम के सोर्सेज हमने डिस्कस कर लिए हैं। आरबीआई के एक्सपेंडिचर्स इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है। आरबीआई के एक्सपेंडिचर मेनली करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग और स्टाफ की सैलरीज के एरियाज में ही होता है। दोस्तों इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच के डिफरेंस को आरबीआई का सरप्लस कहा जाता है, लेकिन इस सरप्लस में से कुछ पैसा आरबीआई अपने साथ बफर की तरह मेंटेन करके रखता है, जिससे इकोनॉमिक हार्डशिप्स के दौरान इकोनॉमी को सपोर्ट करने का रोल आरबीआई निभा पाए। मिसाल के तौर पर 1991 में भारत कुछ उसी तरह की हालात पे पहुंच गया था जहां आज श्रीलंका है। देश में सिर्फ 3 हफ्ते के इम्पोर्ट्स के लायक फॉरेन करेंसी बची थी और कुछ ही हफ्तों में इंडिया अपने लोन्स पर डिफॉल्ट करने वाला था। ऐसी टफ सिचुएशन में आरबीआई की टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ ही आरबीआई का बफर मनी सरकार के लिए हेल्पफुल साबित हुआ। रिजर्व्स में ट्रांसफर करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसे गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाता है। इन रिजर्व्स का क्या लेवल होना चाहिए, यह क्वेश्चन ही 2019 में उर्जित पटेल के टेन्योर के दौरान आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट का कारण बना था। इस इशू को सॉल्व करने के लिए बिमल जलान कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के रिकमेंडेशंस के अनुसार आरबीआई की बैलेंस शीट का 5.5-6.5% के बराबर का अमाउंट रिजर्व्स में ट्रांसफर करना चाहिए और बाकी सारी अर्निंग्स गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देनी चाहिए। इस फ्रेमवर्क के दिए गए फॉर्मूला के अनुसार 2019 में आरबीआई ने गवर्नमेंट को बंपर सरप्लस ट्रांसफर किया, जिसकी वैल्यू करीब 1,76,000 करोड़ रुपीज थी। तो दोस्तों हमने अभी तक ये जाना कि आरबीआई के इनकम और एक्सपेंडिचर के क्या सोर्सेज हैं जिनसे गवर्नमेंट को एक हैंडसम डिविडेंड मिल जाता है, लेकिन बदलते समय के साथ फ्यूचर में आरबीआई के लिए इनकम के कुछ और भी सोर्सेज डेवलप होते दिख रहे हैं। रिसेंटली बजट 2022-23 में फाइनेंस मिनिस्टर ने यह ऐलान किया कि आरबीआई देश के लिए डिजिटल करेंसी लेके आने के प्रोसेस में है। 2021 में दुनिया भर में डिजिटल करेंसी के ट्रेड से करीब $162 बिलियन के फाइनेंशियल गेन्स देखे गए, जबकि भारत 6th largest इकोनॉमी होने के बावजूद इसका सिर्फ 1-1.5% हिस्सा ही कमा पाया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि डिजिटल करेंसी के स्पेस में इंडिया के लिए कितना स्कोप है। इंडिया की डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी। डिजिटल करेंसी लॉन्च होने से आरबीआई के लिए करेंसी प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर काफी हद तक कम हो सकता है, साथ ही सॉइल्ड और डैमेज नोट्स को रिप्लेस करने का एक्सपेंडिचर भी कम हो सकता है। इस वजह से आरबीआई का सरप्लस फर्दर इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा अपने इंक्रीजिंग इनकम को गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके आरबीआई अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ा सकता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी ओएमओस अंडरटेक करके आरबीआई सिक्योरिटीज में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है, जिससे फिक्स इंटरेस्ट इनकम बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इस मूव से मार्केट में लिक्विडिटी इफेक्ट होती है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। दोस्तों देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आना भी आरबीआई के लिए फ्री इनकम का एक सोर्स है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में डॉलर्स लेके आते हैं जो है इन्वेस्ट करने के लिए रुपये में बदला जाता है। ये सारे डॉलर्स आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व्स में जाते हैं। इन डॉलर्स को किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, जिससे हैंडसम रिटर्न्स मिल सकते हैं। साथ ही अगर इंडियन रुपी के एक्सचेंज रेट वीक होता है तो इन डॉलर्स की रुपीज में वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ता फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो आरबीआई के लिए अपनी इनकम बढ़ाने का एक और सोर्स हो सकता है। दोस्तों साथ ही कोविड-19 आरबीआई के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी साबित हो सकता है। कोविड-19 से हुए इकोनॉमिक लॉस के कारण स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स अपनी बोरोइंग्स बढ़ा रहे हैं, जिससे इकोनॉमी को स्टिमुलस दिए जा सके। पब्लिक डेट मैनेजर होने के कारण गवर्नमेंट की इंक्रीजिंग डेट का मतलब है आरबीआई के लिए मैनेजमेंट कमीशन के फॉर्म में इंक्रीजिंग इनकम। मई 2021 में आरबीआई ने गवर्नमेंट के लिए करीब 1,00,000 करोड़ का सरप्लस डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर किया है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में बजटेड सरप्लस सिर्फ 53,000 करोड़ था। करीब डबल अमाउंट का ये सरप्राइज ट्रांसफर गवर्नमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि इस अमाउंट ने कुछ हद तक कोविड की वजह से हुए लो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शंस को बैलेंस करने में मदद किया। लेकिन इस साल आरबीआई ने सिर्फ 30,000 करोड़ रुपीस का ही सरप्लस ट्रांसफर किया है। इस लो अमाउंट की वजह मेनली इकोनॉमिक रिस्क को देखते हुए आरबीआई के कंटिजेंसी फंड और एसेट डेवलपमेंट फंड में इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों मेरा नाम है आदर्श गुप्ता, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू आईएएस में। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आज से कुछ साल पहले जब यूपीएससी एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचते मात्र थे तो उनसे ज्यादा मानसिक तनाव उनके घर वालों को हो जाया करता था, क्योंकि यूपीएससी के तो मानो जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए थे दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर जैसे इलाके। महंगी फीस, कोचिंग में आने जाने का टाइम और घर से अलग रहने का मानसिक तनाव अलग, पर इस सब के बावजूद स्टूडेंट्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था। पर आज
इन सारी समस्याओं का समाधान स्टडी आईक्यू आईएएस ने ढूंढ निकाला है। 900 प्लस आवर्स का लाइव कंटेंट, हैंड रिटन नोट्स, डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन के लिए मटेरियल, 1-to-1 मेंटोरशिप, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप एजी लाइव कूपन कोड का यूज करते हैं। बैचेस की शुरुआत 11th जुलाई मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आरबीआई के फंक्शंस जानने के साथ साथ ये समझा कि आरबीआई के इनकम के क्या सोर्सेज हैं। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि फ्यूचर में आरबीआई की इनकम किस तरह इंक्रीज हो सकती है। लेकिन जैसा आरबीआई के एक्स डिप्टी गवर्नर विराल आचार्य ने सबको सावधान किया कि ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई कोई प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज नहीं है, बल्कि एक रेगुलेटरी बॉडी है। इनकम आरबीआई के ऑपरेशंस का बस एक साइड इफेक्ट है। रेगुलेटरी बॉडीज की इंडिपेंडेंस की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि इन इंस्टीट्यूशंस पर कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंस ना क्रिएट की जाए और ना ही सरप्लस ट्रांसफर्स में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन्वॉल्व होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में डिस्कस किया कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ द आरबीआई, एग्जामिन द ट्रेंड्स इन सरप्लस ट्रांसफर्स बाय आरबीआई टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रीजंस इन्वॉल्वड। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।